इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपसे ट्रिक। अगर किसी भी संख्या का यूनिट प्लेस 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि 5 का स्क्वायर, तो फिलहाल आपको मालूम होगा 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, ये भी चलिए याद होगा, 25 का स्क्वायर ये भी आपको याद होगा 625 है। लेकिन बात जब आती है 35 के स्क्वायर की तो क्वेश्चन मार्क लग जाता है। हो सकता हो किसी बच्चे को ये भी याद हो। तरीका समझ लेते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह है कि 5 यूनिट प्लेस है तो 5 का स्क्वायर आप 25 लिखेंगे और 3 के बाद आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे 12, ये आपका आंसर है। 45 का जब स्क्वायर करते हैं तो 45 के स्क्वायर में 5 का मतलब हो गया 25 और 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 फोर जा 20। 55 के स्क्वायर की बात करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25 और 5 के बाद क्या आता है 6, 6 5 जा 30। 75 के स्क्वायर की बात करेंगे, 75 के स्क्वायर का मतलब 25 हो गया और 7 के बाद क्या आता है 7 के बाद 8, तो 8 7 जा 56। अब बात करें जैसे हम आपसे 95 की, तो 95 के स्क्वायर में 5 के 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 9 जा 90। 105 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 11 दहा में 110 मतलब 11 10 जा 110। बात समझाएगी नहीं है। जैसे मान लीजिए 85 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 8 के बाद क्या आता है 9, 9 8 जा 72। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और इसमें यूनिट प्लेस 5 था। आगे की मैथमेटिक्स की कुछ बेसिक ट्रिक्स हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।